ओम शांति। मुरली का तारीख है 1/12/2019। अव्यक्त बाप दादा मधुबन रिवाइज 15/3/85। मेहनत से छूटने का सहज साधन निराकारी स्वरूप की स्थिति। बाप दादा बच्चों के स्नेह में वाणी से परे निर्वाण अवस्था से वाणी में आते हैं। किस लिए? बच्चों को आप समान निर्वाण स्थिति का अनुभव कराने के लिए, निर्वाण स्वीट होम में ले जाने के लिए। निर्वाण स्थिति निर्विकल्प स्थिति है, निर्वाण स्थिति निर्विकारी स्थिति है। निर्वाण स्थिति से निराकारी सो साकार स्वरूपधारी बन वाणी में आते हैं। साकार में आते भी निराकारी स्वरूप की स्मृति स्मृति में रहती है। मैं निराकार साकार आधार से बोल रहा हूँ। साकार में भी निराकार स्थिति की स्मृति रहे, इसको कहते हैं निराकार सो साकार द्वारा वाणी में कर्म में आना। असली स्वरूप निराकार है, साकार आधार है। यहाँ डबल स्मृति निराकार सो साकार शक्तिशाली स्थिति है। साकार का आधार लेते निराकार स्वरूप को भूलो नहीं, भूलते हो इसीलिए याद करने की मेहनत करनी पड़ती है। जैसे लौकिक जीवन में अपना शारीरिक स्वरूप स्वतः ही सदा याद रहता है कि मैं फलाना वहाँ फलानी इस समय यहाँ कार्य कर रही हूँ या कर रहा हूँ। कार्य बदलता है लेकिन मैं फलाना हूँ या नहीं बदलता ना भूलता है। ऐसे मैं निराकार आत्मा हूँ या असली स्वरूप कोई भी कार्य करते स्वतः और सदा याद रहना चाहिए। जब एक बार स्मृति आ गई पहचान भी मिल गया मैं निराकार आत्मा हूँ, परिचय अर्थात नॉलेज, तो नॉलेज की शक्ति द्वारा स्वरूप को जान लिया। जानने के बाद फिर भूल कैसे सकते। जैसे नॉलेज की शक्ति से शरीर का बान भूलते भी नहीं भूल सकते, तो यहाँ आत्मिक स्वरूप भूल कैसे सकेंगे। तो यहाँ अपने आप से पूछो और अभ्यास करो। चलते फिरते कार्य करते चेक करो निराकार सो साकार आधार से यहाँ कार्य कर रहा हूँ, तो स्वतः ही निर्विकल्प स्थिति निराकारी स्थिति निर्विघ्न स्थिति सहज रहेगी। मेहनत से छूट जाएंगे या मेहनत तब लगती है जब बार बार भूलते हो फिर याद करने की मेहनत करते हो। भूलो ही क्यों, भूलना चाहिए। बाप दादा पूछते हैं आप हो कौन, साकार हो वा निराकार। निराकार हो ना, निराकार होते हुए भूल क्यों जाते हो। असली स्वरूप भूल जाते तो आधार याद रहता। स्वयं पर ही हंसी नहीं आती है कि यहाँ क्या करते। अब हंसी आती है ना, असली भूल जाते और नकली चीज याद आ जाती। बाप दादा को कभी कभी बच्चों पर आश्चर्य भी लगता है, अपने आप को भूल जाते और भूल कर फिर क्या करते। अपने आप को भूल हैरान होते हैं। जैसे बाप को स्नेह से निराकार से साकार में आह्वान कर ला सकते हो, तो जिससे स्नेह है उस जैसे निराकार स्थिति में स्थित नहीं हो सकते हो। बाप दादा बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान और मेहनत, मास्टर सर्वशक्तिमान सर्व शक्तियों के मालिक हो। जिस शक्ति को जिस भी समय शुभ संकल्प से आह्वान करो वहाँ शक्ति आप मालिकों के आगे हाजिर है। ऐसे मालिक जिसकी सर्व शक्तियाँ सेवादारी है वहाँ मेहनत करेंगे, वहाँ शुभ संकल्प वहाँ अशुभ संकल्प करेंगे। शुभ संकल्प का आर्डर करेंगे ना, क्या करेंगे, राजे हो ना कि प्रजा हो। जैसे कि जो योग्य बच्चा होता है उसको क्या कहते हैं, राजा बच्चे कहते हैं ना। तो आप कौन हो, राजा बच्चे हो कि अधीन बच्चे हो।
अधिकारी आत्माएं हो ना, तो या शक्तियां या गुण या सब आपके सेवादारी है। आह्वान करो और हाजिर। जो कमजोर होता है वह शक्तिशाली शस्त्र होते हुए भी कमजोरी के कारण हार जाते हैं। आप कमजोर हो क्या? बहुत दूर बच्चे हो ना? सर्वशक्तिमान के बच्चे कमजोर हो तो सब लोग क्या कहेंगे? अच्छा लगेगा? तो आह्वान करना, आर्डर करना सीखो। लेकिन सेवादारी आर्डर किसका मानेगा? जो मालिक होगा। मालिक स्वयं सेवादारी बन गए। मेहनत करने वाले तो सेवादारी हो गए ना। मन की मेहनत से अब छूट गए शरीर के मेहनत की। यज्ञ सेवा अलग बात है, वहां भी यज्ञ सेवा के महत्व को जानने से मेहनत नहीं लगती है। जब मधुबन में संपर्क वाली आत्माएं आती है तो देखती है इतनी संख्या की आत्माओं का भोजन बनता है और सब कार्य होता है, तो देख देख कर समझती है या इतना हार्डवर्क कैसे करते हैं। उनको बड़ा आश्चर्य लगता है, इतना बड़ा कार्य कैसे हो रहा है। लेकिन करने वाला ऐसे बड़े कार्य को क्या समझते हैं? सेवा के महत्व के कारण या तो केल लगता है, मेहनत नहीं लगती। ऐसे महत्व के कारण, बाप से मोहब्बत होने के कारण मेहनत का रूप बदल जाता है। ऐसे मन की मेहनत से अब छूटने का समय आ गया है। द्वापर से ढूंढने की, तड़पने की, पुकारने की, मन की मेहनत करते आए हो। मन की मेहनत के कारण धन कमाने की भी मेहनत बढ़ती गई। आज किसे भी पूछो तो क्या कहते हैं? धन कमाना मासी का घर नहीं है। मन की मेहनत से धन के कमाई की मेहनत बढ़ा दी और मन की मेहनत से धन के कमाई की मेहनत बढ़ा दी और तन तो बन ही गया रोगी। इसीलिए तन के कार्य में भी मेहनत, मन की भी मेहनत, धन की भी मेहनत। सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन आज परिवार में प्यार निभाने में भी मेहनत। कभी एक रुसता है, कब दूसरा, फिर उसको मनाने की मेहनत में लगे रहते। आज तेरा है, कल तेरा नहीं फेरा आ जाता है। तो सब प्रकार की मेहनत करके तक गए थे ना। तन से, मन से, धन से, संबंध से, सबसे तक गए। बाप दादा पहले मन की मेहनत समाप्त कर देते, क्योंकि बीज है मन। मन की मेहनत तन की, धन की मेहनत अनुभव कराती है। जब मन ठीक नहीं होगा तो कोई कार्य होगा तो कहेंगे आज यहाँ होता नहीं, बीमार होगा नहीं। लेकिन समझेगा मुझे 103 बुखार है, तो मन की मेहनत तन की मेहनत अनुभव कराती है। धन में भी ऐसे ही है, मन थोड़ा भी खराब होगा कहेंगे बहुत काम करना पड़ता है, कमाना बड़ा मुश्किल है, वायुमंडल खराब है। और जब मन खुश होगा तो कहेंगे कोई बड़ी बात नहीं, काम वही होगा। लेकिन मन की मेहनत धन की मेहनत भी अनुभव कराती है। मन की कमजोरी वायुमंडल की कमजोरी लगती है। बाप दादा बच्चों की मन की मेहनत नहीं देख सकते। 63 जन्म मेहनत की, अब एक जन्म मौज का जन्म है, मोहब्बत का जन्म है, प्राप्तियों का जन्म है, वरदानों का जन्म है, मदद लेने का, मदद मिलने का जन्म है। फिर भी इस जन्म में भी मेहनत क्यों? तो अब मेहनत को मोहब्बत में परिवर्तन करो, महत्व से खत्म करो। आज बाप दादा आपस में बहुत चिटचाट कर रहे थे बच्चों की मेहनत पर। क्या करते हैं? बाप दादा मुस्कुरा रहे थे कि मन की मेहनत का कारण क्या बनता है, क्या करते हैं? टेढ़े बाके बच्चे पैदा करते, जिसका कभी मुंह नहीं होता, कभी टांग नहीं, कभी बाह नहीं होती। ऐसे व्यर्थ की वंशावली बहुत पैदा करते हैं। और फिर जो रचना की वहां क्या करेगा? उसको पालने के कारण मेहनत करनी पड़ती,
ऐसी रचना रचने के कारण ज्यादा मेहनत कर तक जाते हैं और दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। बहुत मुश्किल लगता है अच्छा, लेकिन है बड़ा मुश्किल। छोड़ना भी नहीं चाहते और उड़ना भी नहीं चाहते, तो क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा। चलने में तो जरूर मेहनत लगेगी ना, इसीलिए अब कमजोर रचना बंद करो तो मन की मेहनत से छूट जाएंगे। फिर हंसी की बात क्या कहते हैं, बाप कहते हैं यहाँ रचना क्यों करते? तो जैसे आजकल के लोग कहते हैं ना, क्या करे ईश्वर दे देता है, दोष सारा ईश्वर पर लगाते हैं। ऐसे या व्यर्थ रचना पर क्या कहते, हम चाहते नहीं है लेकिन माया आ जाती है, हमारी चाहना नहीं है लेकिन हो जाता है। इसीलिए सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे मालिक बनो, राजा बनो। कमजोर अर्थात अधीन प्रजा, मालिक अर्थात शक्तिशाली राजा। तो आह्वान करो मालिक बन करके, स्वस्थिति के श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठो। सिंहासन पर बैठ शक्ति रूपी सेवादारी का आह्वान करो, आर्डर दो। हो नहीं सकता कि आपके सेवादारी आपके आर्डर पर ना चले। फिर ऐसे नहीं कहेंगे क्या करे, सहन शक्ति ना होने के कारण मेहनत करनी पड़ती है, समाने की शक्ति कम थी इसीलिए ऐसा हुआ। आपके सेवादारी समय पर कार्य में ना आवे तो सेवादारी क्या हुआ, कार्य हो गया। फिर सेवादारी आवे तो क्या होगा? जिसको स्वयं समय का महत्व है उसके सेवादारी भी समय पर महत्व जान हाजिर होंगे। अगर कोई भी शक्ति व गुण समय पर इमर्ज नहीं होता है तो इससे सिद्ध है कि मालिक को समय का महत्व नहीं है। क्या करना चाहिए? सिंहासन पर बैठना अच्छा या मेहनत करना अच्छा? अभी इसमें समय देने की आवश्यकता नहीं है। मेहनत करना ठीक लगता या मालिक बनना ठीक लगता, क्या अच्छा लगता? सुनाया ना, इसके लिए सिर्फ या एक अभ्यास सदा करते रहो। निराकार सो साकार के आधार से या कार्य कर रहा हूं, करावनहार करा रहा है, करनहार बन कर रहा हूं, करावनहार बन कर्मेंद्रियों से कराओ। अपने निराकार वास्तविक स्वरूप को स्मृति में रखेंगे तो वास्तविक स्वरूप के गुण शक्तियां स्वतः ही इमर्ज होंगे। जैसा स्वरूप होगा वैसे गुण और शक्तियां स्वतः ही कर्म में आते हैं। जैसे कन्या जब माँ बन जाती है तो माँ के स्वरूप में सेवा भाव, त्याग, स्नेह, अथक सेवा आदि गुण और शक्तियां स्वतः ही इमर्ज होती है ना, तो अनादि अविनाशी स्वरूप याद रहने से स्वतः या गुण और शक्तियां इमर्ज होंगे। स्वरूप स्मृति स्थिति को स्वतः ही बनाता है। समझा क्या करना है? मेहनत शब्द को जीवन से समाप्त कर दो। मुश्किल मेहनत के कारण लगता है, मेहनत समाप्त हो मुश्किल शब्द भी स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अच्छा, सदा मुश्किल को सहज करने वाले, मेहनत को मोहब्बत में बदलने वाले, सदा स्वस्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ शक्तियों और गुणों को अनुभव करने वाले, सदा बाप को स्नेह का रेस्पॉन्ड देने वाले, बाप समान बनने वाले, सदा श्रेष्ठ स्मृति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित हो, मालिकपन सेवादारियों द्वारा कार्य कराने वाले ऐसे राजे बच्चों को, मालिक बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते, बाप दादा को बच्चों का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पर्सनल मुलाकात विदेशी भाई बहनों से, फर्स्ट पॉइंट, सेवा बाप के साथ का अनुभव कराती है। सेवा पर जाना माना सदा बाप के साथ रहना, चाहे साकार रूप में रहे चाहे आकार रूप में, लेकिन सेवादारी बच्चों के साथ बाप सदा साथ है ही। करावनहार करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, और स्वयं क्या करते हैं? निमित्त बन खेल खेलते रहते हैं। ऐसे ही अनुभव होता है ना, ऐसा सेवादारी सफलता के अधिकारी बन जाते हैं।
सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता सदा ही महान पुण्यात्मा बनने का अनुभव कराती है। महान पुण्यात्मा बनने वाले को अनेक आत्माओं के आशीर्वाद की लिफ्ट मिलती है। अच्छा, अभी तो वह दिन भी आना ही है जब सबके मुख से एक है, एक ही है या गीत निकलेंगे। बस ड्रामा का यही पार्ट रहा हुआ है, या हुआ और समाप्ति हुई। अब इस पार्ट को समीप लाना है, इसके लिए अनुभव कराना की विशेष आकर्षण का साधन है। ज्ञान सुनाते जाओ और अनुभव कराते जाओ। ज्ञान सिर्फ सुनने से संतुष्ट नहीं होते, लेकिन ज्ञान सुनाते हुए अनुभव भी कराते जाओ तो ज्ञान का भी महत्व है और प्राप्ति के कारण आगे उत्साह में भी आ जाते हैं। उन सबके भाषण तो सिर्फ नॉलेजफुल होते हैं। आप लोगों के भाषण सिर्फ नॉलेजफुल नहीं हो, लेकिन अनुभव की अथॉरिटी वाले हो और अनुभवों की अथॉरिटी से बोलते हुए अनुभव कराते जाओ। जैसे कोई कोई जो अच्छे स्पीकर होते हैं, वहाँ बोलते हुए रुला भी देते हैं, हंसा भी देते हैं, शांति में साइलेंस में भी ले जाएंगे। जैसी बात करेंगे वैसा वायुमंडल हल्का बना देते हैं। वहाँ तो हुए टेम्प्ररी, जब वहाँ कर सकते हैं तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकते। कोई शांति बोले और शांति का वातावरण हो, आनंद बोले तो आनंद का वातावरण हो, ऐसे अनुभूति कराने वाले भाषण प्रत्यक्षता का झंडा लहराएंगे। कोई तो विशेषता देखेंगे ना। अच्छा, समय स्वतः ही शक्ति भर रहा है, हुआ ही पड़ा है, सिर्फ रिपीट करना है। अच्छा, विदाई के समय दादी जानकी जी से बाप दादा का मुलाकात देख देख हर्षित होती रहती हो। सबसे ज्यादा खुशी अनन्य बच्चों को है ना, जो सदा ही खुशी के सागर में लहराते रहते हैं, सुख के सागर में, सर्व प्राप्तियों के सागर में लहराते ही रहते हैं। वहाँ दूसरों को भी उसी सागर में लहराते हैं। सारा दिन क्या काम करती हो? जैसे कोई को सागर में नहाना नहीं आता है तो क्या करते, हाथ पकड़कर नहलाते हैं ना? यही काम करती हो। सुख में लहराओ, खुशी में लहराओ, ऐसे करती रहती हो ना। बिजी रहने का कार्य अच्छा मिल गया है। कितना बिजी रहती हो, फुर्सत है? इसी में सदा बिजी है तो दूसरे भी देख फॉलो करते हैं। बस याद और सेवा के सिवाय और कुछ दिखाई नहीं देता। ऑटोमेटिकली बुद्धि याद और सेवा में ही जाती है और कहाँ जा नहीं सकती। चलाना नहीं पड़ता, चलती रहती है। इसको कहते हैं सीखे हुए सिखा रहे हैं। अच्छा काम दे दिया है ना, बाप होशियार बनाकर गए है ना, ढीला डाला तो नहीं छोड़कर गए है, होशियार बनाकर जगह देकर गए है ना। साथ तो है ही, लेकिन निमित्त तो बनाया ना, होशियार बनाकर सीट दिया है। यहाँ से ही सीट देने की रसम शुरू हुई है। बाप सेवा का तख्त, वहाँ सेवा की सीट देकर आगे बढ़े। अभी साक्षी होकर देख रहे हैं कैसे बच्चे आगे से आगे बढ़ रहे हैं। साथ का साथ भी है, साक्षी का साक्षी भी, दोनों ही पार्ट बजा रहे हैं। साकार रूप में साक्षी कहेंगे, अव्यक्त रूप में साथी कहेंगे, दोनों ही पार्ट बजा रहे हैं। अच्छा, वरदान श्वासोश्वास याद और सेवा के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त बवा। जैसे अटेंशन रखते हो कि याद का लिंक सदा जुटा रहे, वैसे सेवा में भी सदा लिंक जुटा रहे। श्वासोश्वास याद और श्वासोश्वास सेवा, इसको कहते हैं बैलेंस। इस बैलेंस से सदा ब्लेसिंग का अनुभव करते रहेंगे और यही आवाज दिल से निकलेगा कि आशीर्वादों से पल रहे हैं। मेहनत से युद्ध से छूट जाएंगे। क्या, क्यों, कैसे, इन प्रश्नों से मुक्त हो सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे। फिर सफलता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में अनुभव होगी। श्लोगन, बाप से इनाम लेना है तो
स्वयं से और साथियों से निर्विघ्न रहने का सर्टिफिकेट साथ हो। अच्छा, ओम शांति।